और उधर बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले पर बड़ी खबर सामने आई। अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ में खुलासा हुआ है, रिश्वत का पैसा नीचे से ऊपर तक जाता था, यानी सभी में बढ़ता था। कुछ और घोटालों का जल्द पर्दाफाश ईडी की ओर से किया जा सकता है। पूछताछ के बाद ईडी अर्पिता को गिरफ्तार कर सकती है। पार्थ चटर्जी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब अर्पिता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हिरासत में है फिलहाल अर्पिता, उनसे लगातार पूछताछ जारी है कि आखिर उनके घर से ये 20 करोड़ रुपए की जो रकम है वो कैसे बरामद हुई। और अभी जो खुलासे हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि रिश्वत का पैसा नीचे से ऊपर तक जाता था, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो इसमें संलिप्त था, पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट था, ऐसी जानकारी अभी तक आ रही है। चूंकि अर्पिता से लगातार पूछताछ ईडी कर रही है और इसी पूछताछ के आधार पर आगे अब ईडी का जो शिकंजा है कई और बड़े लोगों पर कसा जा सकता है। कई और बड़े नाम हैं जो फिलहाल ईडी की रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। अभी जो पूछताछ अर्पिता से चल रही है, कुछ और घोटाले का भी खुलासा हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पूछताछ लगातार जारी है अर्पिता से, फिलहाल क्या बड़ी जानकारी आई है उससे पूछताछ से निकलकर? देखिए, जिस तरीके से अर्पिता से ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, इससे पहले जो पार्थ चटर्जी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके 20 करोड़ रुपए अर्पिता चटर्जी के घर से मिले थे, उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये पैसा आखिर कहाँ से आया और कितने पैसों का लेन देन हुआ। और इसके अलावा और ईडी के अधिकारी को ये भी जानकारी मिली है कि कहीं कुछ और ठिकानों पर भी और बड़ा कैश हो सकता है। और सबसे अहम बात, जो पैसा बरामद किया गया है, जो ईडी ने 20 करोड़ रुपए अर्पिता के घर से बरामद किया था, उसमें अर्पिता ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जो रकम है, जो पैसा है, वो नीचे से ऊपर तक जाता था, यानी कि टीएमसी में टॉप लेवल तक ये पैसा जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं आरोप सीधा ममता बनर्जी के ऊपर भी है। तो पूरी जांच जो है वो ईडी कर रही है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी का कहना है कि और कई ठिकानों पर भी कैश की जानकारी उनको मिली है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। अर्पिता से पूछताछ की जा रही है, इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अर्पिता की गिरफ्तारी भी किसी भी समय हो सकती है, लेकिन टाइमिंग देखनी होगी कि अर्पिता की गिरफ्तारी जो है वो किस समय की जाती है। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई और घोटालों की बात भी सामने आई है, जिसके लिए ईडी की जो टीम है वो लगातार कई जगह रेड कर रही है, कई जगह अर्पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है। और इससे पहले पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी जो है वो ईडी जो है कर चुकी है और जल्दी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी तय मानी जा रही है। अतुल, कई और मंत्रियों के घर पर भी कल छापा पड़ा था, क्या उस बारे में कोई अपडेट अभी तक? क्या अभी भी वहां पर जो छापेमार कार्रवाई ईडी की चल रही है, अभी भी रेड चल रही है और कुछ थोड़ी ही देर बाद माना जाए कि एक आध दो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस पूरे मामले को लेके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अर्पिता से पूछताछ हो रही है और अर्पिता के घर से ही 20 करोड़ अर्पिता के ठिकानों से 20 करोड़ रुपए कैश मिला था, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित माना जा रहा है कि अर्पिता की गिरफ्तारी जो है वो किसी भी समय हो सकती है। इसके अलावा और भी, जैसे माणिक भट्टाचार्य है, उनके यहाँ भी रेड्स की गई थी, और भी कई करीबी हैं जो कि रडार पर है ईडी के, ममता बनर्जी के कई करीबी है, कई मंत्री है जो कि रडार पर है। सबसे अहम बात, जिस तरीके से अर्पिता से पूछताछ हुई है और भी, क्योंकि काफी करीबी मानी जाती है और जिस तरीके से कैश बरामद हुआ है, कई और घोटालों की जानकारी भी सामने आ रही है। ईडी के सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि अर्पिता से काफी लंबी पूछताछ अभी चलने वाली है, उसके बाद हो सकता है कि अर्पिता की गिरफ्तारी जो है वो ईडी के अधिकारी डालें और इसके बाद जो बयान होंगे अर्पिता के, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, उससे ईडी के अधिकारी को और आगे की लीड मिलेगी। तो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कल रेड की गई थी, पैसा बड़े पैमाने पर रिकवर किया गया था, कई मंत्री ममता बनर्जी सरकार के टीएमसी के वो ईडी की रडार पर थे, और जिस तरीके से जो लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती है और उसके बाद ईडी अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद करती है, वो कहीं ना कहीं साबित करती है कि जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है, ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सही दिशा में है और ये इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल, अतुल, लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी, ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। बहरहाल, ये जरूर समझा जा सकता है अतुल कि फिलहाल जो टीएमसी है वो बैकफुट पर है, क्योंकि एक एक करके जो तमाम बड़े नाम है उन पर शिकंजा कस रहा है और जो खुलासा किया है कहीं ना कहीं फिलहाल अर्पिता से जो पूछताछ में खुलासा हो रहा है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूछताछ लगातार जारी है अर्पिता से और जो पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं उसके
मुताबिक ये कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये पैसा जाता था, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो भ्रष्टाचार से लिप्त था। अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है तमाम बड़े लोगों पर। माणिक भट्टाचार्य का नाम सामने आ रहा है, आलोक कुमार सरकार का नाम सामने आ रहा है, कल्याण मॉय गांगुली का नाम सामने आ रहा है, जिन पर शिकंजा कसा जा सकता है। पैसों के इस ढेर को देखकर आपके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन जब इसके सोर्स के बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक साथ 20 करोड़ रुपए कैश कोलकाता के जिस अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से बरामद किए गए हैं, वो अर्पिता पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खासम खास और सरकार के कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी है। लिहाजा ईडी की कार्रवाई में कैश मिलने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को ईडी ने ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के अलावा शिक्षा राज्य मंत्री परेश जी अधिकारी के घर समेत कुल 13 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश, 20 मोबाइल फोन समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी को 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। ईडी की ये कार्रवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले को लेकर चल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।